जौनपुर नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य हरदीप ने आज सदवा क्षेत्र की एक बैठक में लोगों का आभार जताते हुए कहा कि मेरी जीत का श्रेय आप लोग व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में पार्टी के सभी कार्यकर्ता को जाता है। एक तरफ सरकार का चाबुक, दूसरी तरफ आपका आशीर्वाद ने मुझे इस पद पर निर्वाचित किया। आप सभी का धन्यवाद है। तो इसके लिए मैं राय वीरभद्र सिंह जी का, आलिमान जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सीट है उनकी जोड़ी में डाली है। कांग्रेस पार्टी से समर्थित जिला परिषद है आप, क्या अपने जीत का श्रेय वीरभद्र जी को भी देंगे? देखिए ऐसा है कि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही जिला परिषद का मैंने चुनाव लड़ा है और पार्टी को श्रेय जाता ही है जिसका। सबसे पहले तो पार्टी को श्रेय जाता है, मैं अपनी तरफ से अजय महाजन जी का, जिन्होंने मेरे लिए काफ़ी काम भी किया है। पार्टी के जो मुख्य नेता हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी, उनका भी धन्यवाद दूँ जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है। और विश्वास करने के बाद उन्होंने ये देखा कि शायद मैं इस चुनाव के लिए चुनाव लड़ सकता हूँ और चुनाव जीत सकता हूँ, और मैं इनके आशीर्वाद से मैंने चुनाव लड़ा भी और चुनाव जीता भी। इसके लिए मैं पार्टी का धन्यवाद हूँ और इसका श्रेय मैं अपने जो वाजपेयी साहब हैं, राय वीरभद्र जी हैं, जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल देंगे जी। सबसे पहले तो मैं पंद्रह वार्ड की सारी जनता का धन्यवाद हूँ जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मुझे जिला परिषद का खिताब दिया गया है। उसके बाद मैं श्री अजय महाजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे चुनाव लड़ाया है। पार्टी हाईकमान का तो चलो आशीर्वाद हमेशा कार्यकर्ता के ऊपर रहता ही है, उसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, चुनाव लड़ाया और मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरा हूँ, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी जीत का श्रेय तो अपने वोटर्स को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है और मुझे मतलब काफ़ी वोटों से जितवाया है, और उसके लिए मैं अपने सभी पंद्रह वार्ड की, मेरे पास पंद्रह पंचायत है, पंद्रह पंचायतों के वोटरों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप कांग्रेस समर्थित जिला परिषद सदस्य हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। आपकी क्या नीतियाँ होंगी विकास के लिए इस क्षेत्र में? देखिए सर, सर्वप्रथम तो जो आज का जो गंभीर मुद्दा है वो सबसे पहले तो बेरोजगारी है, तो मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारे इस एरिया में जो हमारा नूरपुर विधानसभा क्षेत्र है उसमें रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा जो साधन है वो मतलब पैदा करें, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कम से कम उनको रोजगार मिले सर्वप्रथम। और दूसरा, पंचायतों के अंतर्गत जैसे हमारा पीछे 22 को मीटिंग हुआ था तो उसमें बताया गया था कि हर एक पंचायत में खेल मैदान वगैरह जो है और युवाओं को जो है कि उसको में रोजगार जो सॉरी उसमें युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित किया जाएगा। बाकी सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का ही, उसके बारे में मैं सरकार से अनुरोध ही कर सकता हूँ कि कम से कम उस विषय पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बाकी और जो अपने पानी के मुद्दे हैं, सड़क के मुद्दे हैं, तो चलो उनकी और भी ध्यान दिया जाएगा ताकि लोगों को जितनी मदद हो सके अपनी तरफ से की जाएगी। सरकार की तरफ से जो जिला परिषद बजट मिलता है उसके बारे में बताइए कि देखिए जी, ऐसा है कि 22 को हमारी जो पहली मीटिंग है वो धर्मशाला में हुई थी, मगर उस समय तो हमें बताया गया था कि 30% बजट जो है वो जिला परिषद को दिया जाएगा। चलो उसमें हमने सोचा था कि क्योंकि जिला परिषद का एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा एरिया है, मेरे पास 15 पंचायतें हैं, तो 30% बजट अगर सरकार हमें देती तो उसके लिए चलो हम कुछ ना कुछ जो है हर एक पंचायत में, हमारी इच्छा है कि हर एक पंचायत में काम करवाया जाए। परंतु उसके ही दूसरे दिन एक चिट्ठी सरकार के द्वारा निकाली गई है, 30% का जो बजट का प्रावधान था उसको काट के उन्होंने 15% कर दिया जी। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इसके लिए जिला परिषद कांगड़ा के जितने भी हैं वो संगठित होकर सरकार के इस मुद्दे को रखेंगे ताकि
ये बजट का जो छोटा सा मतलब जो हमें बजट दिया है ये एक तरीके का हमारे साथ मुजाकी किया गया है, तो सरकार के समक्ष मांगे रखी जाएगी कि हमारा जो बजट है उसको कम से कम 30% जो किया जाए। हुई है विपक्ष के साथ जो सरकार ने अनदेखी की है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें मेरा मानना यह है कि ये जो गति और काफ़ी दिनों से चला हुआ है, सरकार को शायद पहले ही आगे आना चाहिए था और इस गतिरोध को ख़त्म करना चाहिए था, ताकि विधानसभा की जो कार्रवाई है, जो विधानसभा के जो मुद्दे हैं उन पे बातचीत होती, मतलब आगे का जो भी विधानसभा की कार्यवाही वो सुचारू रूप से चलती। मगर चलो, देर की है, देर आए दुरुस्त आए, मगर मेरा मानना यह है कि ये गतिरोध अगर आज या पिछले का ख़त्म हुआ उसको पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। क्या विचार है? देखिए, सरकार जब चुनाव लड़ना होता है तो सरकार के फायदे जो होते हैं जी बड़े बड़े होते हैं, उसमें सबसे पहले जो मुद्दों में चुनाव लड़ा जाता है जी, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, लोगों की सुख सुविधा की जो सुविधाएं वो दी जाएगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस सरकार के समय में सिलेंडर के रेट क्या थे, अनाज के रेट क्या थे, डिपुओं में राशन के रेट क्या थे, मगर आज देखा जाए तो एकदम से ही जो चोर दरवाजे से रातों रात जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण काम है, क्योंकि पिछले दो चार दिनों में ही रिफाइंड तेल के जो रेट है वो लगभग 25 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए हैं। सिलेंडर का रेट 1000 रुपये के आसपास हो गया, तो गरीब जनता अगर जाए तो कहाँ जाए। तो सरकार से यही अनुरोध है कि कृपा करके इस महंगाई को लगाम लगाया जाए, ताकि आम जो हमारी गरीब दुनिया पब्लिक है उसको इस चीज़ से राहत दी जाए, क्योंकि 400 रुपये की दिहाड़ी में तो इस समय परिवार को पालना ही बहुत मुश्किल है। तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि ये जो गंभीर मुद्दे हैं महंगाई के, कृपा करके पेट्रोल देखिए अब 100 रुपये लीटर के लगभग पहुँचने वाला है, तो आम जो जनमानस है उसके लिए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल भरी बात है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके इसकी और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आप आशीर्वाद को भी मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं नूपुर विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, अपने मेरे कुंदरवाड़ के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका धन्यवाद करता हूं। तो सरकार का तो चलो आशीर्वाद होता ही है, आशीर्वाद रहा भी है, तो उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ कि चलो मुझे उन्होंने टिकट दिया, जहाँ भी चुनाव लड़वाया है। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट।